मुझे लगी लू विनाश उड़ जाता है अंडा पेट कर देते किचन में आ गया हूँ कल देखेंगे मैंगो सी कच्चे वाला जो लू हरे कृष्णा हरि बोल ये देखिए क्या है ये सब आम है इसकी एक चीज है सब कच्चे आम है इसकी एक चीज मैं आज बयान जा रहा हूँ मुझे लगी है लू मैं धूप में थोड़ा कल चल दिया था तो इतनी हालत खराब हो गई थी तो दादी के नुस्खे होते हैं ना आज वो बनाने जा रहा हूँ मैं मेरी दादी थी तो मेरे को जब लू लगती थी तो ऐसे नुस्खे बनाती थी अभी जैसे कच्चे आम है कच्चे आम खाओगे तो विनाश फूट जाता है यानी बहुत नुकसानदायक होते हैं इसके खटाई वटाई बनते हैं आम के अचार बनते हैं लेकिन आज मैं इन लोग इसकी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा इस आम की एक चीज़ कैसे इस आम को गर्म करके क्या बनाया जाता है और लू में इतना फ़ायदेमंद करता है पूछो मत इस गर्मी के मौसम में एकदम ठंडा पेट कर देता है तो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ इस आम की करामात तो अभी मैं जा रहा हूँ आम तोड़ने जैसे अभी मेरे घर के अंदर से पेड़ है तो यहाँ से तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि तो सेफ है तो सोच रहा हूँ बाहर से तोड़ूँ क्योंकि बाहर से कोई भी तोड़ के लेके चला जाता है यहाँ पे दो अच्छे और बड़े बड़े आम देखता हूँ जो काफ़ी बड़े हो गए जैसे कि ये है ये एक बड़ा आम हो गया ये दो आम मैंने तोड़े अभी देखो दो आम की करामात अब मैं अपने किचन में आ गया हूँ और ये हमारा आम अब देखो मैं क्या करूँगा इसको ये मैंने गैस ऑन किया और इसको इसके ऊपर रख देना है आओ मैंने डायरेक्टली रख दिया लेकिन गलत है ये देखो ये आम सीखने के लिए मुझे लग रहा है एक ही आम में मेरा काम हो जाएगा मैंने फालतू का दो तोड़ लिया ये लू में इतना अच्छा लगता है और पेट एकदम ठंडा बीमारियां एकदम खत्म अभी देखिए कैसे गर्म हो रहा है दो मिनट में हमारा आम गर्म अब मैं एक ही आम का बना रहा हूँ मैं एक आम से मेरा काम हो जाएगा इसको कल देखेंगे अब बहुत गर्म है इसको करना कुछ नहीं है बस कुछ छीलना है अब ये मेरी दादी का नुस्खा है ये आम के छिलके एकदम नंगा हो गया ये आम एकदम छील के नंगा हो गया लेकिन एक गलती कर दी मैंने ये भी सही से वो नहीं हुआ है अब आइए इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको ठंडा करता हूँ अभी मैंने सही से गर्म नहीं हो पाया मैंने यानी और गर्म करना चाहिए मुझे सेकना चाहिए था मुझे लगा कि हो गया है कोई बात नहीं लेकिन ये भी बहुत फायदा करेगा इस आम को आप दाल में भी डाल सके जब दाल बनाते हो उसके अंदर भी डाल के खा सकते हो वो भी बहुत फ़ायदा करता है ये देखिए ये इसका बीज निकल गया आम का ये मेरा सही से पका नहीं है हल्का और पक गया होता है तो ये पूरा गुद्दा गुद्दा हो जाता है और इसको मैं एकदम जितना बुचरी बुचरी कर सकता हूँ उतना बुचरी बुचरी करिए या आप मिक्सी में भी इसको डाल के पीस सकते हो मिक्सी में पीस दोगे तो और अच्छा हो जाएगा आपका दिखाओ यार ये देखिए एकदम पीने लायक हो गया ये एकदम मैंगो सेक पके हुए मैंगो सेक लेकिन पके मैंगो से ज़्यादा एक कच्चा आम आपको फायदा करेगा अब इसमें गिरा के यस और इसमें हल्का काला नमक डालिए इसको मिला देना है
अब आपका ये मैंगो शेक एकदम कच्चे वाला जो लू से बचाने वाला बहुत अच्छा लग रहा है, यानी हल्का खट्टा लग रहा है कि मजा आ रहा है पीने में बहुत। लू के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। अभी अभी चाची आई मेरी बता रही है इसके अंदर बहुत कुछ पड़ता है, जीरा उरा भी, लेकिन मैं कुछ नहीं डाला, जीरा पुदीना सब कुछ अच्छे से डाल के बनता है। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम अब कभी होगा शॉर्ट वीडियो बना के डालता हूँ मैं।